तो आप लोग इस टाइम जो ये वीडियो फुटेज देख रहे हैं, ये है मेरा न्यू कैमरा Nikon Z30। जी हाँ, तो गाइस ये मेरा फर्स्ट न्यू कैमरा है, ये मिररलेस कैमरा है। मैं एक बजट फ्रेंडली कैमरा ढूंढ रहा था जिस पे मैं ब्लॉगिंग कर सकूँ, अपने कुछ शॉर्ट फिल्म बना सकूँ। तो मैं और सोनी के कैमरा ढूंढ रहा था क्योंकि सोनी के कैमरा मेरे को शुरुआत से ही बहुत भाते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही पसंद आते हैं। बट द थिंग इज़ कि थोड़ा आउट ऑफ लीग एंड थोड़ा आउट ऑफ बजट हो गया था, इसलिए गाइस तो मैं सोनी का कैमरा मैंने नहीं लिया। तो मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था तो मेरे को फिर Nikon का मिला। मेरे को मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी इसके बारे में एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत बढ़िया कैमरा है, ये बहुत बड़े कैमरा है। आइए इसके बारे में कुछ बात करते हैं, ठीक है, लेट्स डू दिस। तो गाइस ये है Nikon का Z30। मैंने किट लेंस के साथ एक एक्स्ट्रा लेंस लिया है। किट लेंस में आपको मिलता है 1650 और एक्स्ट्रा में मिलता है 1520 का जूम लेंस। मेरे को इसके साथ एक ये वाइल्ड क्राफ्ट का काफ़ी अच्छा कैमरा बैग मिला हुआ है, इट्स वेरी नाइस एंड वेरी यू नो क्यूट। तो ये मेरे को फिर मिला, तो आप देख सकते हैं कि सील टूटी हुई है बॉक्स की ऑलरेडी, क्योंकि मैं इसको खोल चुका था स्टोर पर ही। तो आइए देखते हैं, ठीक है। कागजात मैंने सब निकाल दिए क्योंकि पेपर वर्क सो बोरिंग गाइस, ठीक है। तो हमें मिलता है ये पहले USB टाइप सी केबल, विच इज़ वेरी गुड, फ़ोन वगैरह लैपटॉप में आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये रहा जूम लेंस जो इसके साथ मिला है, दिस इज 50-250 जूम लेंस Nikon का, आप देख सकते हैं। इसकी फिर साइड, फिर हम आते हैं हमारा किट लेंस जो है 1650 का, ये भी Nikon का है। कहाँ गया ये 1650 का एक नॉर्मल किट लेंस, इज़ वेरी नाइस। इसके साथ हमें और मिलता है एक बैटरी, ये रही हमारी बैटरी Nikon की, विच इज़ 1120 mAh की बैटरी है ये हमारी, ठीक है। अब पहले Nikon क्या कर रहा था, जब उसने Z30 निकाला था उन लोगों ने क्या किया था कि वो दो बैटरी दे रहे थे, Nikon वाले दो बैटरी दे रहे थे, लेकिन कस्टमर ने ये बोला कि हमें चार्जर चाहिए क्योंकि Nikon ने चार्जर नहीं दिया था, इसीलिए फिर दो बैटरी इन लोगों ने हटा दिया और Nikon के साथ एक चार्जर भी दे दिया। चार्जर पता नहीं हमने कहाँ रखा है। अब आते हैं मेन कैमरे, तो ये है हमारी बॉडी Nikon की, इस पर मैंने ऑलरेडी स्ट्रैप लगा दिया था। सो यस, दिस इज़ द न्यू Nikon Z30। ये देखिए Z30 का लोगो, इट्स Nikon, ये कवर मिलता है, ये आपका मेन्यू ऑप्शन है, दिस इज़ रिकॉर्डिंग बटन, यहाँ पे ऑन ऑफ होता है, ISO सेटिंग, ये आपका परचर के लिए है। इस बार मेन्यू थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू Nikon Z50, क्योंकि ये एक तरीके से ब्लॉगिंग कैमरा है और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। हमें यहाँ पे दो इनबिल्ट माइक देखने को मिलते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पर, ये आपका फ्लैशलाइट हॉर्सशू है, ये डिस्प्ले हो गया, ये मल्टी शॉट बटन, यहाँ से आप अपना वो कर सकते हैं वीडियो टू फोटो मोड चेंज, डिलीट बटन एंड मेन्यू ऑप्शन, सॉरी या इन्फो ऑप्शन, ऑटो फोकस, मेन्यू, प्लेबैक, जूम इन जूम आउट, ओके एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स। तो चलिए इसको फटाफट से ऑन करते हैं गाइस। तो गाइस हमने इसमें बैटरी लगा दी है एंड 1650 का हमने लेंस इसमें लगाया हुआ है, चलिए ऑन करके देखते हैं इसे। एंड पहले सबसे पहले कवर हटा लीजिए एंड देन लेट्स स्विच ऑन। ऑन हो गया है कैमरा, डिस्प्ले ओपन करते हैं। इसकी ये आर्टिकुलेटेड डिस्प्ले मेरे को बहुत अच्छा पार्ट लगा, क्योंकि अगर आप जैसे कि आप सेल्फी मोड पे कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे ट्विस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। एंड बेस्ट पार्ट कि यहाँ पर जो है लाइट जलती है, यू नो आप कभी भी रिकॉर्डिंग करेंगे आपको पता नहीं है कि कैमरा ऑन है कि नहीं, तो ये यहाँ पर लाइट इंडिकेटर आपको बताएगा कि योर कैमरा इज़ ऑन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि बिफोर टेकिंग फोटोज रोटेट द ज़ूम लेंस, हाँ ये करना पड़ता है गाइस, इसको ऐसे करेंगे और ये ऑन हो गया। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं ये कैमरा अब ऑन है, ठीक है, यहाँ से इसकी डिस्प्ले से आप देख लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो चलिए बाकी चीज़ों को जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसा लगेगा। अब ये वीडियो मोड पर है, इसको फोटो मोड पर कर देते हैं यहाँ से टक। थोड़ा सा मतलब मैंने ISO वगैरह बढ़ा रखा था, तो आप ISO कैसे चेंज करेंगे, ISO का बटन दबाएंगे और इसको ऐसे कम कर देंगे, तब आपको सब चीज़ें अच्छी तरीके से दिखाई देने लग जाएगी। आई होप आपको विजिबल है, और कम करो, यस दैट्स द थिंग। कैमरे की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, ऑटो जूम इसमें है, इसमें इसको मैं अभी ऐसे रोटेट मोड पे लेके आता हूँ एंड यू कैन सी गाइस, यू कैन सी मी, यस। आई एम गाइस, देखते हैं सो बेस्ट पार्ट क्या लगता है मुझे। सो बेस्ट पार्ट इज़ अबाउट इट्स स्क्रीन, आप देखिए स्क्रीन काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, ये फुल LCD टच स्क्रीन है, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे जाके प्लेबैक मेन्यू देख सकते हैं, आप यहाँ पे जाके वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं, यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आप 4K में शूट होगा, ठीक है। देन इफ यू गो डाउन यहाँ पे स्लो मोशन के आपके पास 3 ऑप्शन है, देन यहाँ पर फोटो शूटिंग ऑप्शन है, आप किस फॉर्मेट में लेना चाहते हैं वो भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, इमेज क्वालिटी आपको कैसे चाहिए और रॉ प्रोसेसिंग क्या होनी चाहिए। और इसमें ये देखिए ये फ्लिकरिंग रिडक्शन शूटिंग का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है, ये वीडियो मोड में आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। एंड आप अपनी कस्टम सेटिंग्स कर सकते हैं कि आप जैसे कि इसमें बेस्ट पार्ट ये लगता है कि ये जो इसके बटन्स है ना, जिसमें ये U1 U2 U3 है, तो मैं अभी U1 पे जाके अगर मैं कुछ करूँगा तो फिर मैं यहाँ से उसकी सेटिंग चेंज कर सकता हूँ, मैं U1 में मैं इस मोड पर शूट कर सकता हूँ, ऐसे रेस्ट ऑफ द थिंग्स करके। या फिर इसकी जनरल सेटअप सेटिंग आ गई जिसमें आप अपना टाइम वगैरह कर सकते हैं, मॉनिटर, ब्राइटनेस, ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स कर सकते हैं।
रिटच मेन्यू हो गया आपका ये, माई मेन्यू में आप कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन डालना चाहेंगे यस। एंड आपको अगर इसको अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप से अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको स्नैप ब्रिज ऐप करके आता है, एंड्रॉयड iOS दोनों में आता है, आप वहाँ से कनेक्ट करके इसको आप आराम से कर सकते हैं।